हेलो फ्रेंड, क्लास दसवीं की ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर वन। चैप्टर वन का नेम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले इसमें जो है संसाधन, तो संसाधन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको कुछ इसी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन। जैसे कि इस चैप्टर का नेम है संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या होता है। अब हम जैसे जाते हैं किसी वाहन से या कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लोग कहीं लेट हो जाते हैं, तो हम किसी से कहते हैं या कोई पूछता है हमसे कि भाई आप लेट क्यों हो गए, तो आप क्या कहते हो कि हमें जो है संसाधन नहीं मिला, इसके कारण हम लेट हो गए। तो उसी में एक शब्द और लग जाता है कि सा लग जाता है, उससे हो जाता है संसाधन। तो देखिए, मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। प्राकृति द्वारा प्राप्त वह वस्तु, प्राकृति द्वारा वह प्राप्त वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति विकास एवं प्रकृति में सहायक होती है। इसका उचित वितरण मानव की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मानव की क्या बढ़ाता है? गुणवत्ता को बढ़ाता है कि मानव में क्या क्या गुण हैं, कि मानव क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेन हुई और गाड़ी हुई। पहले क्या है कि हम लोग पैदल जाते थे, अब गाड़ी से जाने लगे हैं, तो इसका क्या है, विकास किया है मानव ने, और यही हो गया है संसाधन। यही होते हैं संसाधन। जैसे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ संसाधन है। अब जैसे कि हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं तो गाड़ी से चले जाते हैं, और हमारे लिए अच्छी अच्छी ड्रेस भी होती है, तो ये भी सब एक तरह के विकास है। पानी भरने के लिए हम लोग पहले तालाबों में जाते थे, लेकिन अब घर घर क्या होती है, बोरिंग मशीन हो जाती है, तो उससे क्या है, पानी हम लोग भर लिया करते हैं। तो ये सब क्या है, विकास है, मानव द्वारा निर्मित है, लेकिन प्राप्त हुआ है प्रकृति द्वारा। एक चीज़ आप लोग याद रखें, प्रकृति द्वारा प्राप्त वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं, लेकिन हुआ तो प्रकृति से प्राप्ति है, तभी जो है मानव ने अपनी आवश्यकताओं अनुसार उसका प्रयोग किया है। यही होता है संसाधन की भाषा, और सॉरी संसाधन की परिभाषा। अब इस लेसन में बताया गया है कि जेम्स फिशर के अनुसार वह कोई भी वस्तु जो हो सकती है जो मानव की इच्छा एवं आवश्यकता को संतुष्ट करे। और यही बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक क्या है? जो प्राकृतिक रूप से संसाधन है, जैसे जल, वायु, सूरज की किरण और पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमें मानव से प्राप्त होता है काफ़ी सारे, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जैसे कि घर, मकान, गाड़ी और रोड, सड़कें, ये सब क्या है, संसाधन के विकास के लिए मानव द्वारा निर्मित हैं। और प्राकृतिक जो हैं वो प्राकृतिक द्वारा ही हैं, जो मानव ने नहीं किए हैं। तो प्राकृतिक दो प्रकार के हैं, पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। तो नाम से पता चल रहा है इसमें नवीकरणीय यानी नया, अनवीकरणीय यानी पुराना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है? ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, संभव प्रतिदिन नए प्राप्त होते रहते हैं, जैसे पवन। तो पवन जो है हमें जो है मिलती रहती है ऊर्जा, जो मतलब प्रतिदिन हमें मिलती रहती है, जो ख़त्म नहीं होती है, जैसे पवन, सौर ऊर्जा, नहीं जल। तो इसी का एक और था अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय क्या होता है? ऐसे संसाधन जो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के पश्चात प्राप्त हुए हों, यह एक बार नष्ट होने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होते। जैसे धातु, धातु से बनता तो नया है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वह पुराना हो जाता है, और पुराने से हम नया नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, नई चीज़ नई रहती है और पुरानी चीज़ पुरानी ही रहती है। अगर हम फिर से नया कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, उसको जंग अंग लग जाएगी धातु में, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाएगी, है ना।
तो यानी जो पुरानी है, जो पुरानी चीज़ हो जाती है वह नष्ट हो जाती है, और जो नवीकरणीय में क्या है हमें प्राप्त होती रहती है, और अनवीकरणीय में हमें प्राप्त तो होती है लेकिन कुछ समय बाद वह भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उदाहरण में लिख लीजिए धातु, जीवाश्म, ईंधन आदि। तो अब मैं आपको बताता हूँ नवीकरणीय के प्रकार के बारे में। तो नवीकरणीय प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सतत यानी प्रवाह, दूसरा होता है जैव यानी जिसमें आते हैं वन्य जीव या वनस्पति के। तो जैव जो है दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहला प्रकार जो है नवीकरणीय का कि सतत, ये क्या होता है। संसाधन का प्रयोग इस तरह करना है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाएँ भविष्य की पीढ़ी का भी इसका उपयोग कर सके। इसमें जो उदाहरण में आते हैं वायु और जल, ये सब क्या हैं, सतत के उदाहरण हैं। तो जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया है, ऐसा प्रयोग करना है इन संसाधनों का कि भविष्य में जो आपकी पीढ़ी रहेगी वो भी इनका लाभ उठा सकें, ना कि आप ही ने लाभ उठाया और आगे चल के इसकी विपत्ति आ गई है कि ये संसाधन बचे ही ना। जैसे कि जल है, जल का 3% हमारे लिए पीने योग्य है और बाकी का पीने योग्य नहीं है। जितना आपको उपयोग करना है जल उतना ही आपको उपयोग करना है। अत्यधिक उपयोग और नष्ट करने से क्या है, जल समाप्ति की विपत्ति पर भी आ सकता है। जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी जल की काफ़ी सारा कमी हो चुकी है, पहले वहाँ पर भी क्या होती थी, जल की भरपूर क्षमता थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने सबसे ज़्यादा वेस्ट किया पानी, और उसके कारण क्या है, जल की विपत्ति आ गई है, जिसके कारण वहाँ पर खेती वेती भी नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या है, जीवन पर प्रभाव पड़ता है मनुष्य के, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी लाभ उठा सके। तो ये होता है नवीकरणीय का पहला जो प्रकार है वो है सतत। अब जो दूसरा प्रकार है जैव, तो ये क्या होता है। जैव जो है प्रकृति में विद्यमान वह इकाई जो वृद्धि और विकास करते हैं उन्हें बोलते हैं हम जैव। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है वन्य जीव। तो वन्य जीव भी जो हैं क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, तो इस प्रकार से ये इनकी वृद्धि होती है। और प्राकृति में वनस्पति, वन जंगल, जैसे जंगल में बीज हम ले जाते हैं, बीजों का गिर जाना फिर वहीं पर दूसरे पेड़ का क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। तो यही होता है जैव, ये दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक और वन्य जीव। तो जिस प्रकार मैंने आपको उसमें बताया कि जल का हमें उतने ही पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जंगल को भी यानी वन को भी बचा कर रखना है कि आगे वाली पीढ़ी को अच्छी शुद्ध हवा और वायु मिल सके। अगर हम जंगल और वन को काट देते हैं तो हमें वायु और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो इससे क्या है, आने वाली पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा विपत्ति आ सकती है। और जो दूसरा है वन्य जीव को भी बचा कर रखें, काफ़ी जो है हम जो है जीवों को मार देते हैं, जैसे कि कुछ स्नैक हुआ या अन्य जीव हुए, तो इन जीवों को भी बचा कर रखना है, क्योंकि ये जो जीव हैं पर्यावरण को वातावरण को बनाए रखते हैं। अगर आप स्नैक को मार देते हैं तो स्नैक जो कीड़ों को खाता है उनकी वृद्धि होने लगेगी, तो अगर आप शेर को मार देते हैं तो अगर शेर जो जंतु खाता है तो उसकी भी क्या होगी, वृद्धि बढ़ने लगेगी। तो ये जो जंतु का है ये चक्र चलता रहता है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो जीव है इन्हें रखना है। आप जानते हैं अनवीकरणीय है, तो इसकी मैंने आपको परिभाषा भी तो बता दी है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहले है पूर्ण चक्रीय, दूसरा होता है अचक्रीय। अचक्रीय यानी जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, चक्रीय यानी जो हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे कि धातु में ये भी क्या है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका जो हम 2-3 बार प्रयोग कर सकते हैं धातु का, ठीक है। तो ये तो होगा इसकी चक्रीय के बारे में कि चक्रीय में हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि उसको भी नष्ट हो जाएगी जंग लगकर उस धातु में। दूसरा अचक्रीय, तो अचक्रीय देखिए जैसे कि ईंधन रहता है, जैसे पेट्रोल, कोयला, अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं तो क्या हमें पेट्रोल प्राप्त हो सकता है दोबारा, तो ये नहीं हो सकता है।
और कोयला को जलाते हैं तो ये कोयला भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये होते हैं अचक्रिय। तो ऐसे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो हमें पुनः प्राप्त नहीं होते, जैसे ईंधन पेट्रोल में आते हैं आदि, तो इनको बोलते हैं अचक्रिय। ये तो होगा प्राकृतिक के बारे में, नवीकरणीय के बारे में बताया मैंने आपको, अनवीकरणीय के बारे में बताया, वो है मानवीय संसाधन। तो ये जो है अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो में आपको मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।